देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। पत्रकार जगत के पितृपुरुष स्वर्गीय विजय कुमार सिंह शिंदे फाउंडेशन द्वारा संचालित रोटी बैंक वृद्धाश्रम द्वारा नागरिक अभिनंदन समारोह इंदिरा कॉलोनी स्थित श्री माहेश्वरी मंगल भवन में आयोजित किया गया, जिसमें कलेक्टर प्रवीण सिंह को बुरहानपुर जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर अंकित करने और डॉक्टर सुबोध बोरले को अंतर्राष्ट्रीय टीचर फॉर स्पाइन इंडोस्कोपी फेलोशिप NSSA मिलने पर और मनोज अग्नानी को मध्य प्रदेश मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश संगठन सचिव बनने पर इन तीनों विभूतियों द्वारा बुरहानपुर जिले का नाम देश प्रदेश और विदेश में गौरवान्वित करने पर रोटी बैंक वृद्धाश्रम और रोटी बैंक के सहयोगी संस्थाएं बुरहानपुर मीडिया क्लब और बुरहानपुर म्यूजिक क्लब के संयुक्त तत्वावधान में 50 से अधिक विभिन्न सामाजिक संगठनों और संस्थाओं और समाज अध्यक्षों द्वारा तीनों विभूतियों का शॉल श्रीफल और पुष्प गुच्छ भेंट कर सामूहिक रूप से सम्मानित किया गया। रोटी बैंक बुरहानपुर द्वारा बुरहानपुर के तीन युवतियों का नागरिक अभिनंदन किया गया है। बुरहानपुर के माननीय कलेक्टर महोदय जी, जिनको दिल्ली में महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा सम्मानित किया गया है, इसी कड़ी में हमारे डॉक्टर सुबोध बोले जी, जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्पाइन एंडोस्कोपी सर्जरी की फेलोशिप मिली है, और मनोज अग्नानी साहब, जिनको मध्य प्रदेश मेडिकल एसोसिएशन का सहसचिव बनाया गया है। इन तीनों विभूतियों का नागरिक अभिनंदन किया गया, जिसमें शहर के 50 से भी अधिक संस्थाओं ने आकर उनका शाल श्रीफल देकर उनको पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया है। ये शहर में इन तीनों लोगों ने जो विशेष काम किया है, इसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय श्री सिंधे है, मैं रोटी बैंक का मैनेजर हूँ। और बुरहानपुर से है जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इंदौर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 2519 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से 69 CM राइज स्कूल का भूमि पूजन किया गया। इसी श्रृंखला में शाहपुर के सीताबाई रामचंद्र राव देशमुख विद्यालय में लगभग 31 करोड़ की लागत से बनने वाले CM राइज विद्यालय का भूमि पूजन वर्चुअल माध्यम से किया गया। इस अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम में खंडवा लोकसभा सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस, कलेक्ट्रेट प्रवीण सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष गंगाराम मार्को ने जिलेवासियों को CM राइज स्कूल की सौगात दी। कार्यक्रम में जनपद पंचायत अध्यक्ष जिला शिक्षा अधिकारी रविंद्र महाजन, सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य नागरिकगण, अधिकारीगण, शिक्षकगण और स्कूली छात्र छात्राएं मौजूद रहे। वहीं नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा थाना प्रभारी श्रृंगेश राजपूत का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें फरियादी जब शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचा तो थाना प्रभारी द्वारा उसे भद्दी भद्दी गालियां दी गई, जिस पर पीड़ित ने नरसिंहपुर SP ऑफिस में आकर मारपीट करने वाले आरोपियों के साथ साथ थाना प्रभारी की भी शिकायत दर्ज करवाई है और पूरे मामले में इंसाफ की गुहार लगाई। नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक दो पक्षों में विवाद हुआ था और एक पक्ष जब शिकायत करने पहुंचा तो पीछे से दूसरे पक्ष के लोग भी आ गए और इसी में माहौल तनावपूर्ण हुआ और साथ ही थाना प्रभारी अपना आपा खो बैठे। हालांकि इस मामले में SP ने SDOP को जांच करने के आदेश जारी किए ताकि सच सामने आ सके। तो वही शिकायतकर्ता पीड़ित पक्षकार का कहना है कि जिन आरोपियों ने मारपीट की है वो सत्ता पक्ष के लोग हैं और नगर परिषद तेंदुखेड़ा अध्यक्ष के बेटे हैं और उन्हीं को संरक्षण देते हुए थाने में उनके साथ मारपीट की गई और जमकर गाली गलौज भी की गई। और एक साईराम वर्मा, ये दो पक्षों के बीच में आपस में पहले भी लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसमें आपस में अपराध भी पंजीबद्ध है। और उस दिन जो है कई सारे लोग इकट्ठे होके थाने पर आ गए थे और एक दूसरे की शिकायत कर रहे थे और उसी संबंध में इन दोनों ही पक्षों के विरुद्ध एक MLC की कराई थी, जिसको चोट थी उसकी तरफ से FIR की गई है। और जो थाने पे जो वीडियो वायरल हुआ है उसके संबंध में हम SDOP तेंदुखेड़ा से इसमें जांच करवा रहे हैं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।